go Hello everyone, welcome to सी एस आई CSIR NET का exam हो चुका है I hope आप लोग का exam अच्छा गया होगा जिनका नहीं भी अच्छा गया कोई बात नहीं Next exam आएगा उसमें हम फोड़ देंगे ठीक है तो हमें सीखना जरूरी है तो यहाँ पर हम कुछ मेमोरी बेस्ड questions हैं। वो डिस्कस करने वाले एग्जाम से रिलेटेड ठीक है काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक की डिस्कस करूँगा और ऐसे ही आप ऑर्गेनिक फिजिकल के भी देखेंगे आगे तो बात करूँ अगर मैं इनऑर्गेनिक की तो अगर कुछ क्वेश्चन को हटा दिया जाए तीन चार क्वेश्चन को अगर मैं हटा दूँ तो वो जो डिफिकल्ट थे बाकी ईजी टू मॉडरेट आई थी ठीक है आराम से आप कर सकते थे है ना कुछ कुछ चीज़ें हाँ नई भी पूछी उन्होंने तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे क्लियर स्टार्ट करें भाई स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन था बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो कि B2 में में आपसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पूछे थे है ना, है ना हमें पता कितने होते हैं वैसे अगर आप मैं बनाना चाहूं ठीक है तो सीधा टूपी से बना देते हैं क्योंकि वो वाले बाकी तो पेर ही होते हैं तो टूपी वन कॉन्फिग्रेशन होती है की ये यहाँ पर एक तरह से क्या बन जाएंगे पहले आपके पाई वाले आएंगे और फिर आपके सिग्मा वाले आएंगे फिर आपके यहाँ पर पाई स्टार और सिग्मा स्टार इस तरह से एमओ बन सकता है इसका एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है वन

और ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट होती है उसको हम काउंट करेंगे नहीं डिवाइड बाई टू करो कितना आ जाएगा? जाएगा चार आ जाएगा चार शरीर नंबर के लिए कौन सी जोमेट्री होती है भाई टेट्राहेड्रल होती है तो इसकी टेट्राहेड्रल आएगी ठीक है जोमेट्री ही पूछी हुई थी और इसकी बात करो तो अगेन यहाँ पर हाँ यहाँ पर ध्यान रखना कि मे भी आप यहाँ पर फ्लोरिन और क्लोरिन को ही आप क्या करोगे मानोगे क्या सेंट्रल एटम ठीक है सेंट्रल एटम क्या मानते हैं हम जो आपका लेसिन नंबर और लार्ज इन साइज सबसे बड़ा क्या है क्लोरीन है तो क्लोरीन को ही सेंट्रल एटम मानेंगे यहां पर ऐसे ही आपका आयोडीन सेंट्रल एटम होता तो यहाँ पर सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आयोडीन के पांच मोनोवेलेंट फ्लोरीन थी ऑक्सीजन डाइवेलेंट होती है उसको काउंट मत करो डिवाइड बाई टू करो यहाँ पर शेक नंबर आता है सिक्स और सिक्स शेक नंबर के लिए ज्योमेट्री क्या होती है भाई ऑक्टाइडल होती है सिंपल तो बस यहाँ पर ये दोनों आंसर आपके सही थे जिसमें और था क्लियर होगी बात फिर बात करें ये वाला क्वेश्चन था चार नंबर में पूछा हुआ था इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई आपसे ज्योमेट्री और शेप दोनों पूछी थी ठीक है शायद शेप पहले पूछी थी और ज्योमेट्री बाद में ठीक है वो देख लेना तो ज्योमेट्री शेप की बात करते हैं इसकी ऐसे निकालेंगे इसकी भी यहां पर शेरिक नंबर फाइंड करोगे तो सेलिनियम दे रखा है सिक्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर वाले ग्रुप में आता है ना ऑक्सीजन सल्फर सिक्स प्लस मोनोवेलेंट फोर डिवाइड बाई टू नंबर आया फाइव 5 के लिए ज्योमेट्री टीबीपी और शेप देखो अब यहां पर एस सी एफ फोर है क्या होगा एस एफ फोर जैसे ही होगा SCF4, सेम है ना? सल्फर और सेम ग्रुप के आते हैं फ्लोरीन तो लगी हुई है तो सेम जैसे सीसो होता है ये भी सीसो होगा ये भी क्या होगा भाई सीसो होगा क्लियर तो इसका तो पता चल गया टीबीपी ज्योमेट्री होगी और सीसो शेप होगी एक लोन पेयर चार बॉन्ड पे रहेंगे क्लियर होगी बात ये बात करें इसकी बी आर एफ फोर नेगेटिव की तो ब्रोमीन के भाई सेवन वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार मोनोवैलेंट फ्लोरिन है चार कर लो नेगेटिव चार्ज है तो प्लस वन डिवाइड बाई टू कर दो तो सात चार ग्यारह प्लस एक बारह बारह डिवाइड बाई टू कितना हुआ सिक्स तो सिक्स आ गया और छह स्टेरिक नंबर के लिए क्या जोमेट्री होती है ऑक्टा हेड्रल होती है ठीक है ज्योमेट्री क्या आ जाएगी ज्योमेट्री आ जाएगी ऑक्टा हेड्रल शेप की बात करते हैं शेप क्या आ जाएगी तो so शेप देख लो यहां पर क्या होता है दो लोन पेयर होंगे और चार बॉन्ड पेयर हैं जैसे एक्स एफ फोर होता है आपका सेम वैसे ये भी है तो यहाँ पर शेप जो आएगी वो स्क्वायर प्लेनर आएगी क्या आएगी स्क्वायर स्क्नर क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन ठीक है इस तरह से नेक्स्ट अगर मैं बात करू यहां पर अगर इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए क्या था भाई ये यहां पर एक रिएक्शन दे रखी थी आपको यूरेनियम 238 में बोला उन्होंने एक्स पार्टिकल कोई डाला है और आपको यूरेनियम टू थर्टी नाइन मिला तो क्या चेंज आया पर सिर्फ न्यूट्रॉन का चेंज आया कि नहीं आया भाई यूरेनियम यूरेनियम सेम है मतलब एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हुआ आपका तो मतलब वहाँ पर बीटा और अल्फा पार्टिकल की पॉसिबिलिटी हो जाती है खत्म बचा क्या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एक ऐड हो जाएगा पर मतलब एक्स जो है आपका वो न्यूट्रॉन है क्लियर होगी बात अब बात करते हैं इसकी वाई की अब यहाँ देखोगे इसमें और इसमें क्या चेंज है यूरेनियम से नेपचूनियम आपका मास नंबर तो चेंज नहीं हुआ और मास नंबर आपका दो पार्टिकल जब आते हैं तब चेंज नहीं होता या तो बीटा पार्टिकल या तो है ना तो बीटा एक बढ़ गया भाई, एक बढ़ गया, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि बीटा माइनस तो होता है बीटा माइनस में आपका एक, एक एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो प्रोटोन में कन्वर्ट हो जाता है क्लियर हो गया तो वाई हो गया बीटा माइनस ठीक है फिर जेड क्या हो जाएगा फिर से देखो अभी भी मास नंबर चेंज नहीं हुआ टू थर्टी नाइन का टू थर्टी नाइन अब नेपच्यूनियम के बाद आपका आता है प्लूटोनियम ठीक है तो मतलब एटॉमिक नंबर फिर से एक इंक्रीज हो गया तो Z जो हो जाएगा वो भी आपका बीटा माइनस होगा भाई ठीक है ये भी आपका क्या होगा बीटा माइनस होगा तो एक्स वाई जेड मिल गया लेकिन देखो ऑप्शन जो था ना उसमें न्यूट्रॉन खाली नहीं दे रखा था ऑप्शन आपको जो दे रखा था ना सही उसमें न्यूट्रॉन और गामा दे रखा था तो ये सही है क्यों सही है भाई न्यूट्रॉन हुआ न्यूट्रॉन की जब बॉम्बार्डमेंट करवा रहे हो आप ठीक है यहाँ पर इसने एडिशन किया तो यहाँ पर गामा रेडिएशन निकल सकता है ठीक है ये पॉसिबिलिटी है ये जो होता है भाई आपका इजेक्टाइल होता है ये प्रोजेक्टाइल है और ये इजेक्टाइल है तो मतलब कि एक्स जो था वो एन गामा आप बोल सकते हो ठीक है क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें दोनों के दोनों बीटा माइनस थे और वाई जो था वो बीटा माइनस और जेड जो था वो भी बीटा माइनस हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट देखेंगे यहां पर तो यहां पर हाँ, ये भी क्वेश्चन देखो अच्छा था ये क्वेश्चन जो था ये भी अच्छा क्वेश्चन था ये भी चार नंबर में पूछा हुआ था तो ये बेसिकली क्या है यहाँ पर डाई न्यूक्लियर है क्लोराइड के क्रोमियम और टंगस्टन के साथ तो यहां पर देखा जाता है यहाँ पर टंगस्टन टंगस्टन ट्रिपल बॉन्ड ऑब्जर्व किया जाता है और ये स्पीशीज जो होती है वो डाया होती है ठीक है और अगर टंगस्टन और टंगस्टन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो वहां पर बॉन्ड डिस्टेंस कम होगा तो एक क्या पूछा था एक स्टेटमेंट थी बेसिकली आपकी स्टेटमेंट तो नहीं थी एक ऑप्शन था कि इसमें पूछा था आपसे डिस्टेंस किसका ज्यादा होगा तो भाई क्रोमियम और क्रोमियम के बीच में बॉन्ड नहीं होता इसमें ठीक है ये वाली जैसी पीछे होती है वो पैरामैग्नेटिक होती है इसमें क्रोमियम क्रोमियम बॉन्ड कोई नहीं होता ठीक है ऐसी मॉलीबिडनम में बॉन्ड होता है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एग्जैक्टली नहीं होता तो मॉलीबेडनम मॉलीबिडनम की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो भी टंगस्टन टंगस्टन से ज़्यादा होती है हल्की से ठीक है और क्रोमियम की तो बहुत ज्यादा होती है तो क्रोमियम की बॉन्डलैन एक तो ज़्यादा आएगी ये वाला और साथ में ये पेरा है और ये डाया है क्लियर हो होगी बात डाया इसीलिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएंगे आपस में मेटल मेटल बॉन्ड बना लेंगे क्लियर बात चलो ठीक है नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन जो था वो आइसोलोबल का था ठीक है आइसोलोबल तो आइसोलोबल में देखो मैंने जो सही ऑप्शन है वो लिख दिया है ठीक है आइसोलोबल पूछा था तो यहाँ पे देखोगे सात इलेक्ट्रॉन्स ठीक है और टेट्राहेड्रल का फ्रेगमेंट है मतलब एक लीगेंड की कमी है एक लीगेंड की कमी है और सात इलेक्ट्रॉन है क्लियर होगी बात यहाँ देखोगे सेवनटीन इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो आपको पता है वाला साथ से क्या होता है आइसोलोबल होता है और लीगेंट का भी देखोगे डेफिशिएंसी सेम है यहाँ पर ऑक्टा यह हेल का फ्रेगमेंट है का है एक लीगेंट की कमी यहां पर भी है एक लीगेंट की कमी यहां पर भी है तो बेसिकली वैसे आइसोलोबल में हमें और भी चीजें देखनी होती है ना सिमेट्री फ्रंटियर ऑर्बिटल के नंबर वगैरह ये सब चीजें इसलिए मैं लीगेंट की बात भी कर रहा हूँ क्योंकि एक और ऑप्शन था जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे थे उसकी बात करेंगे यहां देखोगे तो यहाँ पर भी सीपी के आपके हो गए पांच एफ ई के हो गए कितने आठ आठ पांच तेरह और चार सत्रह इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भी सेवनटीन हो गए तो सेवनटीन सेवनटीन वाले तो आपस में होंगे ही होंगे ना भाई ठीक है और यहां पर भी आप देखोगे तो ये भी ऑक्टाइल्ट का फ्रेगमेंट होगा जनरली हम सीपी को तीन लीगेंट के इक्वल मान लेते हैं ठीक है सीपी एफ ई और दो सी हो गए मतलब एक लीगेंट की कमी थी यहाँ पर और सेवनटीन इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है एक और ऑप्शन था एक और ऑप्शन क्या था देख लो यहाँ पर एक और ऑप्शन ये था सी एस थ्री माइनस दे रखा था आपको और आपको यहाँ पर सी आर सी ओ सिक्स और एक आपको यहाँ पर एम एन सी ओ सिक्स पॉजिटिव दे रखा था इन सब में इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसमें आठ आएंगे इसमें आपके अठारह आएंगे और इसमें आपके अठारह आएंगे तो आप बोलोगे आठ वाला अठारह से होना चाहिए आइसोलोबल लेकिन देखो ध्यान से इनमें देखो ये दोनों की दोनों ऑक्टाइडल स्पीशीज़ हैं दोनों की दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं तो ये दोनों तो आइसोलोबल हैं लेकिन ये नहीं है भाई यहाँ देखोगे तो एक लीगेंड की कमी है तो फ्रंटियर मोलिकलर ऑर्बिटल जो होंगे वो सेम नहीं होंगे इस केस में क्लियर होगी बात तो उनकी सिमेट्री वगैरह अलग होगी थोड़ी सी और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग हो सकते हैं इस वजह से ये जो स्पीशीज थी वो आइसोलोबल नहीं थी ये वाली आइसोलोबल हम नहीं बोलेंगे क्लियर होगी बात चलो देखते हैं पीछे तो यहाँ पर हमने हाँ ये वाला कर लिया अब ये वाला देख लेते हैं ठीक है इसमें देखो ध्यान से इसमें भी कुछ नहीं था भाई कंप्लीट हाइड्रोलिस दे रखा था इसका ठीक है इसका क्या दे रखा था आपको कंप्लीट हाइड्रोलिस दे रखा था पहले एक्स एफ का एच टू के साथ तो क्या बनता है सिंपल एक्स और साथ में है है ना ये बन जाता है। और एक ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें एक्स ओ थ्री दे रखा था तो वही आपका आंसर था कि दो ऑप्शन में XO4, XO4 दे रखे थे तो वो आपका बन नहीं सकता ठीक है तो एक्स ओ थ्री बनता है और जब आप उसका एल्कलीन हाइड्रोलिस करते हो तो आपका पर आयन बनता है आपको पता है एक्जी ओ सिक्स और फोर नेगेटिव साथ में यहाँ पर जेनोन भी बनता है जेनोन प्लस ओ टू वगैरह भी बनता है और साथ में बस इतना ही लिख लो कोई नहीं तो इस तरह से होता है तो यहाँ पर ये एक तरह से क्यू हो गया ये हो गया आर आपका ये हो गया पी पी क्यू आर पूछा हुआ था तो एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें ये दे रखे थे एक्स ओ थ्री एक्जी ओ सिक्स फोर नेगेटिव और एक् क्लियर बात हाँ एक ये देख लो भाई ठीक है इसमें ये क्या था आपका मेटल क्लस्टर का क्वेश्चन था ये भी डी ब्लॉक से नाइओबियम के जो लोअर ऑक्शनस्ट हेलाइड होते हैं वो ये मेटल क्लस्टर बनाते हैं ठीक है आपके मेडल कौन से होते हैं सिक्स और थ्री के ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना निकाल लो आराम से नाओबियम की निकालनी थी आपको सिक्स एक्स लेट कर लो यहाँ पर प्लस फोर ये हो गए और सी एल एटीन तो माइनस एटीन हो गया इज इक्वल टू जीरो कर लो तो सिक्स एक्स इज इक्वल टू फोर्टीन आएगा ठीक है तो यहाँ से एक ही ऑप्शन था जिसमें आपका फोर्टीन बन रहा था उसमें क्या बन रहा था भाई कि दो नाओबियम जो होंगे आपके वो प्लस थ्री में होंगे ऐसा ऑप्शन था ना और जो चार नायोबियम होंगे

ठीक है तो डेटा के ऊपर ये क्वेश्चन था तो क्या क्या दे रखा था भाई एक आपको दे रखा था ट्वेंटी फोर थाउजेंड ठीक है और एक दे रखा था ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है तो यहां पर ध्यान ये रखना जो ये है ना इसकी सबसे ज्यादा आती है डाटा मैंने देखा तो यहाँ पर मुझे मिला कि ये सबसे ज्यादा इसी की आती है ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स आती है ऑल दो यहाँ पर ये यह प्लस थ्री में ही है और यहाँ पर ये एम एन जो है वो प्लस फोर में है लेकिन यहाँ पर लीगेंट बहुत वीक है फ्लोरीन है और ई एन और फ्लोरीन में स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है ये भी ध्यान रखना ठीक है इस वजह से इसकी जो आएगी वो ट्वेंटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास आएगी क्लियर होगी बात और इसकी जो आ रही थी अब यहां पर ये प्लस थ्री में और ये प्लस टू में तो प्लस टू वाले की देखो वाटर और एफ फ्लोरिन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वाटर लीगेंट की बात करें और फ्लोरीन लीगेंट की बात करें अगर एक ही अब फ्लोरिन के पास सीधा वाटर ही तो आता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखा जाए तो है ना एफ वीक है देन वाटर वीक आ जाता है नहीं वैसे वो वहाँ पर आपके सी एल वाई हाँ नहीं एफ के बाद तो हाँ एस टू ही आता है ठीक है इस तरह से बोल सकते हैं तो यहाँ पर देखो लीगेंड में ज़्यादा फर्क नहीं है और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर प्लस थ्री है तो इस वजह से इसकी ज़्यादा आती है सेवेंटीन थाउजेंड सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास आती है और इसकी जो आती है वो नौ हज़ार चार सौ सेंटीमीटर इनवर्स आती है यही ऑप्शन थे मैच करना था बस तो यहाँ पर बस इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न थी लेकिन डाटा इसी को फेवर करता है ठीक है इसकी ज़्यादा होगी कोबाल्ट वाले की और इसकी आपकी कम होगी क्लियर होगी बात चलो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या था भाई कि वाई बी थ्री प्लस का आपसे क्या पूछा था यहाँ पर सिंपल यहाँ पर क्या पूछा था मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था कैलकुलेट करना था वही एफ सेवन एफ थर्टीन कॉन्फिग्रेशन होती है इसकी तो यहाँ पर निकालोगे मैं पूरा नहीं निकालूँगा मैं आपको बता दे रहा हूँ बस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टी हैं ट्वेल्व थर्टीन हाँ सही है चलो यहाँ इसकी 1, -1, तो एम एल करोगे और एस निकालोगे तो आ जाएगा कितना मल्टीप्लाई बाई वन बाई टू करते हैं एल और एस आ गया आपका जे क्या होगा भाई मोर देन हाफ फील्ड है ना कॉन्फिग्रेशन जे इज इक्वल टू आएगा एल प्लस एस तो यहाँ से आ जाएगा आपका थ्री प्लस वन बाई टू देट इज सेवन बाई टू यहाँ पर जब सेवन बाई टू पुट करोगे और जी की वैल्यू निकालोगे ना तो म्यू इज़ इक्वल टू यहाँ पे आता है भाई इनका वैसे तो याद ही कर लिया करो यार फोर पॉइंट कितना आएगा फोर पॉइंट सेवन फोर समथिंग आ जाएगा आपका ठीक है म्यू जो आएगा आपका फोर पॉइंट सेवन फोर समथिंग यही जो पहला ऑप्शन मतलब ऑप्शन एक दे रखा था बाकी में तो आपको वन पॉइंट सेवन थ्री थ्री पॉइंट एट सेवन एन टू पॉइंट एट थ्री ऐसे दे रखा था दो पे इलेक्ट्रॉन मतलब वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा था आपको ठीक है लेकिन आंसर आपका ये आता है ठीक है फोर पॉइंट सेवन फोर नहीं फोर पॉइंट फाइव फोर के आसपास वही जो भी है एक ही ऑप्शन था ऐसा

एंड ग्राउंड स्टेट बोथ पॉपुलेट है ना ऐसे कोई ऑप्शन था एक बोथ पॉपुलेट वही एक आंसर था बाकी में एक में शायद ऐसे फोर एफ 4d फोर डी की मिक्सिंग दे रखी थी फोर एफ फोर डी कहाँ जाएगा यार फोर एफ और फाइव डी बोलते तो भी हम थोड़ा सोचते हैं फोर एफ फोर डी तो यहाँ पर बहुत पीछे रह जाते हैं फोर डी एल के तो बहुत पीछे भरे जाते हैं है ना आपको पता है ना यहाँ पर जब लेंथेनाइट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन भरते हो तो फोर ए फर फाइव डी को साथ लेके चलते हो ना तो उनमें मिक्सिंग होती तो समझ भी सकते थे लेकिन नहीं यहाँ पर फोर था आंसर में इतना मेरे को याद है तो यहाँ पर एक्साइटेड एंड ग्राउंड स्टेट दोनों की दोनों पॉपुलेटेड होती हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है रूम टेम्परेचर पर वो आपका ज़्यादा आता है कैलकुलेट कैलकुलेट तो जीरो आता है लेकिन ऑब्जर्व जो होता है वो साढ़े तीन के आसपास आ जाता है आपका है ना क्योंकि लैंडा बहुत स्मॉल होता है तो वहाँ पर एक्साइड स्टेट भी पॉपुलेटेड हो जाती है क्लियर नेक्स्ट देखो ये वाला ये भी अच्छा क्वेश्चन था भाई ठीक है इसमें आपको ईपीआर लाइंस दे रखी थी एट और फिफ्टी वन का आपका आई की वैल्यू होती है सेवन बाई टू ठीक है हाइपरफाइन में आपको एट लाइन दे रखी थी और पूछा था जब आप इसमें एच सी एल या एच प्लस दे रखा था कुछ है ना आपको एसिडिक एसिडिक कंडीशन दे रखी थी तो ये ध्यान रखना जब भी कोई नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड मतलब एच सी एल एच है ये सब जो एसिड होते हैं एस टू एस ओ वो एच एन ओ थ्री नहीं तो यहाँ पर बनता है भाई हमेशा वेनेडिल आयन कौन सा आयन वेनिडिल वी ओ टू प्लस अगर ये पता भी नहीं था ना फिर भी आप अगर आंसर देखते मतलब ऑप्शन देखते तो आप यही आंसर निकालते अगर आपको ये पता नहीं था कि एच प्लस की कंडीशन में ये मिलता है क्योंकि वहाँ पर इसी में आपका क्या होगा वी वेनेडियम जो था वो प्लस फोर में था और यहीं पे आपकी D1 वन है मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो 2n एन आई प्लस से लाइन निकालो भाई 2n n की वैल्यू 1 इन टू आई की वैल्यू 7 बाई टू प्लस वन तो यहाँ से देख लो भाई आठ लाइन आएंगी तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा है ना तो इसी स्पीशीज के लिए आती है और यही आपका था. तो बहुत था. कुछ नहीं करना था सिलेक्शन रूल देखने थे आपको वन एस एंड थ्री एस तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए ठीक है यहां पर सेम है लेकिन डेल्टा एल क्या होना चाहिए प्लस माइनस वन होना चाहिए यहां पर क्या है प्लस माइनस टू है स्कोटाव

एच सिक्स लिखोगे तीन हाइड्रोजन बचेंगे और एक नेगेटिव चार्ज तो चार नेगेटिव चार्ज डाल दो इस तरह से कर लो तो ये क्या है भाई नीडो है तो क्लोजो नीडो था वो तो था ही था साथ में इसकेलेडर इलेक्ट्रॉन पेयर पूछे थे अब इसको देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप बी एच होल टेन और टू माइनस लिख सकते भी नहीं ले सकते हो और एक बी एच जो होती है वो क्लस्टर में दो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करती है तो दो दाम बीस तो बीस ये हो गए और प्लस टू ये हो गए ट्वेंटी टू आ गए ट्वेंटी टू ये तो इलेक्ट्रॉन आए डिवाइड बाई टू करो इलेवन आ जाएगा यहाँ से ठीक है और ऐसे यहां से क्या आ जाएगा भाई छह पेयर ये दे देगा सिक्स पेयर्स ये दे, दे देगा ना आपका बी सिक्स एच सिक्स मैंने बोला एक बी एच यूनिट जो होती है ती, वो दो इलेक्ट्रॉन देती है तो यहां पर छह पेयर यहां से आ जाएंगे और चार इलेक्ट्रॉन है तो दो पेयर यहां से आ जाएंगे मतलब एट पेयर यहां पर थे एट और नीडो एन इलेवन एंड क्लोजो ये आंसर था आपका ठीक है नेक्स्ट देखते हैं हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा था बाय वैसे तो देखा जाए ना बहुत कम पूछी गई बायोन के सिर्फ दो क्वेश्चन थे एक आपका था फोर मार्क में जिसमें उसने स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ उसको मर्ज कर दिया था ठीक है तो उसमें स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला ही पार्ट है तो वो फिजिकल में आप देखोगे ये वाला देखो नाइट्राइट रिडक्टेज वाला क्वेश्चन पूछा था ये भी बहुत न्यू क्वेश्चन था पहले कभी पूछा नहीं गया नाइट्राइट रिडक्टेज जो होता है ना कॉपर का एक तो पहले इसमें टाइप वन और टाइप टू कॉपर सेंटर प्रेजेंट होते हैं ठीक है और पिछले पेपर उसने टाइप वन टाइप टू सेंटर के बारे में कुछ स्टेटमेंट पूछी हुई थी पिछले वाले पेपर में तो टाइप वन और टाइप टू तो जो टाइप वन सेंटर होता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है ठीक है इलेक्ट्रॉन का जो भी ट्रांसपोर्टेशन होगा या ट्रांसफर होगा वो यहां पर टाइप वन में इन्वॉल्व होगा और यही स्टेटमेंट थी पहली स्टेटमेंट शायद ये थी कि टाइप टू और टाइप थ्री होते हैं तो वो गलत हो गई एक ये था कि टाइप वन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होता है वो सही थी और क्या था एक कि हाँ एक था कि ये आपका नाइट्राइड है ना तो एनओ को रिड्यूस करता है भाई एनओ में तो ये सही थी पहला स्टेप यही होता है एनओ टू माइनस को ये एनओ में रिड्यूस करता है तो ये दोनों स्टेटमेंट सही थी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली टाइप वन वाली और एक ये वाली क्लियर होगी दो स्टेटमेंट सही थी इसकी बात करते हैं भाई पी फोर एस थ्री का थर्टी वन पी एन एम आर सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए आपको सिंपल है कुछ नहीं करना फॉस्फोरस फॉस्फोरस चार फॉस्फोरस होते हैं ना आपके पास तो बस आपको करना इनको तो एज इट इज रख दो और इनके बीच में यहाँ पर सल्फर सल्फर इंसर्ट करने लग जाओ क्लियर इस तरह से होता है तो यहां पर आप देखोगे तो एक फॉस्फोरस का एन्वायरमेंट जो है वो अलग है इसका ए मान लो और इन तीन फॉस्फोरस का सेम है इनको बी मान लो क्लियर तो मतलब आपको दो सिग्नल मिलेंगे थर्टी वन पी एन एम आर में अब उसने लेकिन सिग्नल नहीं पूछा था आपसे उसने वहां पर पूछा था क्या मिलेगा डबलेट क्वार्टेट वगैरह ये सब पूछा था तो अब ध्यान से देखना जो ये तीन पी होती है जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल आता है ठीक है इनकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी ना क्योंकि तीन फॉस्फोरस है इनका तो भाई डब्लेट मिलता है तो एक डबलेट और इसका क्या मिलेगा एंड क्वार्टरेट तो यहां पर कपलिंग ये आपस में कर रहे थे भाई क्योंकि सल्फर तो भाई क्या होता है एनएमआर इनएक्टिव होता है ना सल्फर का जो मोस्ट अबेंडेंस आई सोटोप है वो एनएमआर इनएक्टिव होता है ठीक है तो इनएक्टिव है तो उससे तो कपलिंग होगी नहीं इसलिए यहां पर ये फॉस्फोरस तीन इससे कपल करेंगे डबलेट देंगे और ये फॉस्फोरस इन तीनों से कपल करेगा और क्वार्टरेट देगा क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती है वन बाई टू होती है फॉस्फोरस के लिए तो ये आंसर था डबलेट एंड ये ध्यान रखना नेक्स्ट देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता इसकी शेप पता कैसा होता है, भाई? पेंटागनल प्लेनर होता है ये कई बार करवाया ये मैंने ठीक है बॉन्डिंग में भी बताया था क्रैश कोर्स वाले लेक्चर में तो यहाँ पर इस तरह से दो लोन पेयर होते हैं और ये आपकी प्लेन में होता है ठीक है पेंटागोनल

और जो आपका एक्टिव है उसकी परसेंटेज कम हो तो वहां पर सैटेलाइट पीक का आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है तो ध्यान रखना जो ट्वेंटी सिक्स माइनस हंड्रेड में से ये घटाओ कितना बचा आई थिंक सेवेंटी फोर सेवेंटी फोर या सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव बचा उसके वजह से आपका मिलेगा सिग्नेट ठीक है और ये जो होंगी ये इस पीक को वैसे डबलेट है ना डबलेट बोल सकते लेकिन पूरा डब्लेट नहीं बोलते डबलेट हम तब बोलते जब हमारा अबेंडेंस जो हो वो बहुत ज्यादा हो ठीक है इस केस में इनको सेटेलाइट पीक बोलते हैं तो यहां पर ये ये आ आ जाएगा और आ जाएगा और और तो 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 नहीं नहीं आएगा पर यही था एक डबलेट with satellite peak और एक था था एक एक बाकी मैं तो पता नहीं क्या क्या दे रखा था। वो तो होंगे ही नहीं ठीक है तो यहां पर आंसर जो आएगा वो लिख लो क्या आएगा सिंगलेट विद सेटेलाइट पीक बस क्लियर तो सिंगलेट आएगा और सेटेलाइट भी दो अब ये वाला तो क्वेश्चन लेकिन कर हो सकता था ये क्वेश्चन क्लियर थी, उसने बोला था कि यहां पर मेटल एम दे दिया था उसने ठीक है उसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन काउंट है 48 और यहां पर साफ साफ लिखा था ब्रैकेट में कि आपके मेटल मेटल बॉन्ड जो है वो काउंट नहीं करने ठीक है जो तीन मेटल मेटल बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको वो काउंट नहीं करने थे उसी के बेस पे मतलब एक क्वेश्चन था अगर वो आपने काउंट किए होंगे तो गलत हो गया होगा इलेक्ट्रॉन काउंट फोर्टी था और वहां पर मेटल मेटल बॉन्ड आपको काउंट नहीं करने थे अब देखते हैं यहां पर तो अगर आप इसके इलेक्ट्रॉन देखोगे इसके इलेक्ट्रॉन देखोगे तो यहां पर एनओ जो है वो चार है और एनओ यहां पर देखो सारी की सारी ब्रिजिंग में लगी हुई है तो एनओ अगर टर्मिनल होती है तो वहां पर किसका आपका लीनियर और बैंड का कॉन्सेप्ट आता है वन इलेक्ट्रॉन और थ्री इलेक्ट्रॉन लेकिन यहां नहीं आएगा ऐसा कॉन्सेप्ट क्योंकि यहां पर क्या है बेंट में है तो यहां पर जितने इलेक्ट्रॉन वो दे सकता है दे देगी कितनी तीन देगी तो यहां पर चार एनओ है तो तीन इलेक्ट्रॉन तो यहां पर ट्वेल्व आ गए यहां से प्लस आप देखोगे तो बेंजीन रिंग थी तीन तो यहां पर तीन बेंजीन रिंग हुई अगर तो कितने इलेक्ट्रॉनस हुए टोटल अठारह हो गए छः छः इलेक्ट्रॉन देंगी ना सारी तो एटीन ही हो गए टोटल यहाँ से कितने आ गए थर्टी इलेक्ट्रॉन हमें मेटल का नहीं पता हम मान लेते हैं थ्री मेटल के इलेक्ट्रॉन एज इट इज थ्री एम लिख दो और प्लस थर्टी कर दो इक्वल टू फोर्टी एट कर दो क्लियर हो गया ना इलेक्ट्रॉन काउंट फोर्टी एट दे रखा था और इलेक्ट्रॉन काउंट विदाउट मेटल मेटल बॉन्ड हम ऐसे निकालेंगे मेटल के इलेक्ट्रॉन प्लस लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से थ्री एम की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी अठारह आ जाएगी तो अठारह भाई कब आ सकता है एम मतलब छ आ जाएगा यहाँ पर एम क्या आ जाएगा सिक्स और छह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से मेटल में होते हैं क्रोमियम में होते हैं ठीक है तो बस क्रोमियम आंसर था यहाँ पे बाकी भी और मेटल दे रखे थे लेकिन आंसर जो हो जाएगा वो क्रोमियम होगा मतलब एम जो है आपका वो क्रोमियम हो जाएगा बस यही बताना था क्लियर नेक्स्ट देखते नेक्स्ट <coughs> जो है यहाँ पर क्वेश्चन एनडी थ्री प्लस का पूछा था एफ ब्लॉक भाई भर भर के क्वेश्चन थे एफ ब्लॉक के देखा जाए तो काफी क्वेश्चन थे चार चार नंबर में भी थे क्वेश्चन दो, -दो नंबर में भी थे तीन चार क्वेश्चन थे आई थिंक एफ ब्लॉक के तो यहाँ पर एनडी थ्री प्लस का आपसे पूछा था कि कौन सी स्टेट लोएस्ट एनर्जी की हो और कौन सी हाइएस्ट एनर्जी की तो यहाँ पर एनडी थ्री जो होता है वो एफ थ्री होता है इतना ही आपको पता होता आप कर लेते यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो यहाँ पर एफ थ्री बना लो तो थ्री टू वन जीरो माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री तो यहां से देखोगे तो भाई एल आ जाएगा आपका कहां करें यहां करते हैं एल इज इक्वल टू आ जाएगा यहां पर सिक्स और एस आ जाएगा आपका थ्री बाई टू क्लियर होगी बात अब ये क्या है आपकी जो कॉन्फिग्रेशन है वो लेस देन हाफ फील्ड है लेस देन हाफ फील्ड है तो जे क्या होगा भाई एल माइनस एस सिंपल सिक्स माइनस थ्री बाई टू करो कितना आ जाएगा नाइन बाई टू ये जो जे है वो ग्राउंड स्टेट का जे निकलता है ये जो हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना एल माइनस एस एल प्लस एस उसमें जो जे निकलता है वो ग्राउंड स्टेट का निकलता है मतलब लोवेस्ट एनर्जी वाला तो यहाँ से लिखना ला सिक्स आ गई आपकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी चार छः कहाँ से आएगी चार आएगी जब आप एस थ्री बाई टू पुट करोगे टू एस प्लस वन चार आ जाएगा ठीक है और एल की वैल्यू सिक्स के लिए आई लिखोगे और यहाँ पर नाइन बाई टू ये आ जाएगी आपकी लोवेस्ट एनर्जी वाली ठीक है ग्राउंड स्टेट है ये आपकी ग्राउंड स्टेट है वो सबसे ज्यादा लोएस्ट एनर्जी की वही तो होगी और जो हाइएस्ट एनर्जी की स्टेट होगी वो कौन सी होगी जिसमें मैक्सिमम एस ओ हो, जे होगा आपका और मैक्सिमम जे कब होगा जब आप क्या करोगे इसको प्लस कर दोगे तो सिक्स प्लस थ्री बाई टू दैट इज कितना फिफ्टीन बाई टू तो यहां पर फोर आई फिफ्टीन बाई टू ये आपका आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए ठीक है ये हो गया आपका नेक्स्ट <coughs> जो देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन जो था यहां पर वो था भाई कौन सा आपका पेड़ जो होगा पेड़ दे रखे थे बहुत सारे कौन सा 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेंगे तो जो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा था वही लिखा हुआ है यहाँ पर तो यहाँ देखोगे आप पाँच यहाँ से आ गए तीन यहाँ से आ गए एफ के होते हैं आठ सोलह ये हो गए दो ये रहे एटीन हो गए कि नहीं हो गए और यहाँ देख लो तीन यहाँ से आ गए सात आपके एम के होते हैं और कार्बन के हो गए कितने चार हैं तो आठ तो अट्ठारह यहाँ से आ गए ठीक है यही ऑप्शन जो था वो आपके एटीन इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा था यही वाला सिर्फ ठीक है बाकी आपके कोई फॉलो नहीं कर रहे थे भाई नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है हाँ भाई ये क्वेश्चन जो था काफी अच्छा क्वेश्चन था गजब क्वेश्चन था ये देखा जाए तो ठीक है कॉर्डिनेशन से जनरली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते थे पूछते भी तो थे तो वहाँ पर जनरली वो रिएक्शन पूछते थे लेकिन इस बार रिएक्शन के साथ साथ उन्होंने कुछ आई डाटा दे रखा था और आपसे पूछा था एक्स वाई जेड यहाँ पर ठीक है ये जो एक्स है वाई है और यहाँ पर जेड है ये पूछा था तो यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से अगर तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें जब आप एक्वस एनएस डालते हो तो यहाँ पर क्या होता है जो एक्स जनरली होता है यहाँ पर हाँ सी भी था इनके बाहर यहाँ पर सीएल भी था वो भी लगा लो ठीक है वहाँ तो लगा रखा है तो ये भी था तो जनरली ये जो एक्स होता है ये क्लोरिन ही होता है जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स होता है यहाँ पर यहाँ पर एक्स जो होता है वो क्लोरिन होता है ये तो लिख लो आप उसके जब इसमें एक्वस एनएस आप डालते हो तब आपका क्या होता है वहाँ पर वाटर रिप्लेस करता है इस एक्स को तो यहाँ पर बीच वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है ये आपका बनता है ये सीओ एन एस थ्री होल फाइव और यहां पर वाटर क्लियर होगी बात हां ये बन गया और Cl2 टू उसके बाद जब इसमें आप एन एनो टू इन प्रेजेंस ऑफ एच सी एल डालते हो तो आपको ये मिलता है तो यहां पर क्या होता है सिंपल यहां पर एस टू की जगह पे एनओ टू लगता है लेकिन अब वहां पर क्या होता है यहां पर लिंकेज आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटीज होती है ठीक है तो यहां पर जो वाई लगता है उसका जो डाटा दिया है ना उससे यहां पर कंफर्म होता है कि यहां पर एन से जुड़ा हुआ होगा या ओ से जुड़ा होगा तो इस केस में इस केस में बेसिकली यहां पर एन से जुड़ा होता है तो वाई यहां पर जो होता है वो एनओ टू होता है तो आपको यहां पर दो बैंड देखने में मिलते हैं ये स्ट्रॉग वाले थर्टीन टेन और फोर्टीन थर्टी सेंटीमीटर मतलब बहुत आसपास होगा ये ध्यान रखना फर्क क्या है इस वाले में देखो Z आप सीधा इसमें डायरेक्ट आप एन एनओ टू डाल दोगे

वाई आपका एन टू और जेड आपका ओ एन ओ हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर होंगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन भी ठीक ही था अच्छा था ये भी क्वेश्चन इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहां पर बोला था यहां पर पेयर दे रखे थे आपको ठीक है और यहां पर एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ये दे रखे थे क्या सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के डिफरेंस ठीक है तो आपसे ऑर्डर पूछा हुआ था तो यहां पर ध्यान रखो देखें ध्यान से आपको क्या कंपेयर करना सेकेंड आयोनाइेशन एनर्जी कंपेयर कर लोगे ना आप पहले पहले एलिमेंट्स की तो आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि देखो सेकेंड आयोनाइजन एनर्जी जो एल्केली मेटल्स की होती है काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और लिथियम की तो आप देखोगे तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा टू एस वन से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वन एस टू से वन एस टू से मतलब कि हीलियम की कॉन्फिग्रेशन और हीलियम की आपकी भाई सबसे ज़्यादा आयोनाइजन एनर्जी होती है उस कॉन्फिगुरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा आती है लिथियम की और लिथियम और इसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस आपका यही आएगा एक्स वन जो होगा सबसे ज़्यादा रहेगा फिर बात करें इनकी और इनकी इन दोनों कंपेयर करो तो यहां पर आप अगर देखोगे तो बी और एम जी और आपको पता है आर, एल्केलिन अर्थ मेटल होते हैं उनकी सेकेंड आयोनाइज एनर्जी कम होती है अब क्यों कम होती है आप बताओ मुझे इसलिए कम होती है क्योंकि यहां पर क्या होता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा होता है उसके बाद नोबल गैस बन जाती है नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाती है ना 2s2 होता है वो एक निकलेगा 2s1 एक और निकलेगा तो 1s2 और 1s2 किसकी होती है हीलियम की कॉन्फिगरेशन होती है तो मतलब सेकेंड आयोनाइशन एनर्जीज़ आपकी ग्रुप टू के लिए बहुत कम होती है कंपेयर टू फर्स्ट वगैरह देखी जाए तो तो इस वजह ये तो सबसे लास्ट में आएगा x2 जो होगा वो सबसे कम आएगा हैं इसमें आप इन दोनों में कंपेयर करो अब आपको पता बोरोन और आप नाइट्रोजन की बात करोगे तो नाइट्रोजन की जो आपकी सेकेंड आयोनाइज एनर्जी होती है वो बोरोन से ज़्यादा ही होती है तो ये वाला जो पेयर है वो पहले आएगा एक्स और फिर आपका आ जाएगा एक्स थ्री ठीक है तो ये डिफरेंस आप यहीं से देख सकते हो आप अगर ये कंपेयर कर लोगे ना इनकी सेकेंड आयोनाइशन एनर्जीज तो यहीं से आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा आयोनाइशन एनर्जी आ रही है वहाँ पर डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा जहाँ पर सबसे कम आ रही है वहाँ पर डिफरेंस भी कम आता है ठीक है अगर डेटा की बात की जाए तो यहाँ पर डिफरेंस जो आता है वो तीन के आसपास एग्जैक्ट नहीं है बता रहा हूँ मैं तीन और यहाँ पर ढाई के आसपास और यहाँ पर आपका आता है छः के आसपास और यहाँ पर नौ के आसपास ठीक है डाटा भी बता दिया मैंने थोड़ा इस तरह से ना आसपास बता दिया मैंने रफली नेक्स्ट देखते हैं भाई ठीक है ये वाला देखो क्वेश्चन अब जिन्होंने देखो जो कोऑर्डिनेशन के क्वेश्चन पूछे थे वो जो आपके दो नंबर वाले थे ना उसमें ज़्यादा अच्छे पूछे मेरे को लगे जितने ठीक है यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था आउटर फेरा क्वेश्चन है और यहाँ पर रेट कॉन्स्टेंट दे रखे थे इनके ठीक है अब बात की जाए तो इनका अगर आपको पता है ना रेट किसका फास्ट होगा तो आप आराम से लगा लेते वैसे वो खेला तो दो ऑप्शंस में था इन दोनों में खेला था वो ठीक है इनका सबको पता ही होता है ऑलमोस्ट कि यहां पर देखोगे साइनाइड लीगेंट जनरली आपके जो पाई सिस्टम लीगेंट होते हैं सी एन फिन वाई पेरेडिन उस केसेज में यहां पर क्या होता है भाई बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने को मिलता है और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट टेन की पावर सिक्स आती है यही दी हुई थी है ना ऐसे चार कॉम्प्लेक्स दे रखे थे और चार वैल्यूज दे रखी थी आपको सिर्फ मैच करना था तो टेन की पावर सिक्स और फिर इसकी आती है कि यहाँ पर देखो दोनों के दोनों हाई स्पिन होते हैं चाहे आप क्या बात करो किसकी एफ ई एस टू सिक्स की होल्ड टू टू पॉजिटिव या फिर थ्री पॉजिटिव वाले दोनों के दोनों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज है ना तो जब दोनों के दोनों लो स्पिन हो या दोनों के दोनों हाई स्पिन हो रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट तो उस केस में रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी हमें थोड़ी कम देनी पड़ती है और जितनी कम हमें रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ती है उतना रेट हमारा फास्ट होता है तो इस केस में जनरली थ्री के आसपास वैल्यू आ रही होती है ठीक है मतलब सिंगल डिजिट में कोई पावर आवर नहीं तो ये था और बात करें इन दोनों की तो इन दोनों में ही थोड़ा कंफ्यूजन था तो जनरली क्या होता है इसमें जो होती है वो फास्ट होती है टेन की पावर माइनस फोर इसके लिए और टेन की पावर माइनस सिक्स इसके लिए होती है ठीक है इसमें सबसे स्लो होती है क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि एक आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और एक आपका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है तो हाई स्पिन को लो स्पिन बनाने में बेसिकली उनमें जो बॉन्ड डिस्टेंस होते हैं काफ़ी डिफरेंस होता है तो रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ती है बराबर करने के लिए और आउटर स्पेयर में इलेक्ट्रॉन तभी ट्रांसफर होता है जब बॉन्ड डिस्टेंसेज ऑलमोस्ट क्या होते हैं इक्वल होते हैं क्लियर बात तो यहाँ पर क्या होता है देखने को ज़्यादा मिलता है रेट और यहाँ पर थोड़ा सा कम देखने को मिलता है तो ये था सही ऑर्डर ठीक है ये इससे मैच करता ये इससे मैच करता ये इससे और ये इससे क्लियर होगी बात बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन ये भी भाई अच्छा क्वेश्चन था जनरली आप देखोगे ऑक्सीडेटिव एडिशन तो आपको सबको पता होगा यहाँ पर किसका क्या होना था पाथ बी में सी एस थ्री आयोडीन दे रखा था यहाँ पर आपको पता है ट्रांस एडिशन होगा है ना एस एन टू मैकेनिज्म होती है ट्रांस एडिशन और यहाँ पर भाई होना था सी एडिशन

होता है कि नहीं होता तो डी एक्र तो फ्री नहीं है वो तो लीगेंट से जुड़े हुए हैं तो वो कहीं पे नहीं होगा तो जिस ऑप्शन में था ना कि डी इन्वॉल्व हो रहा है वो तो गलत ही था एक ही ऑप्शन था ऐसा शायद तो यहाँ पर जो डी जेड स्क्वायर इसके ऑर्बिटल खाली होते हैं ठीक है कि जेड से यहाँ से इस अलॉन्ग से तो कोई लीगेंट है नहीं तो ये यह जब यहाँ पर आपको पता है ट्रांस एडिशन होगा तो या तो इस लोप में आएगा ये और ए वाला एक लीगेंट इस लोप पर आएगा तो यहाँ पर आप बोल सकते हो जो बी के लिए थे वहां पर डी जेड स्क्वायर ही

इस प्लेन के थ्रू ये जो प्लेन है ना इसके थ्रू जनरली आ रहे होते हैं तो इस वजह से पर एडिशन हो रहा है तो पर आप बोल सकते हो एक ऑप्शन ऐसा था कि डी एक्स वाई इन्वॉल्व हो सकता है या डी जेड हो एक्स हो सकता है या तो आपका डी वाई जेड इन तीनों में से कोई भी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकता है और यही आंसर में दिया हुआ था तो यही आंसर होगा ठीक है मेरे अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए बाकी देखते हैं आगे ठीक है नेक्स्ट देखते हैं ये भी क्वेश्चन अच्छा था भाई ठीक है यहाँ पर क्या पूछा था आपसे स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट और ये जो एक्स है मतलब बेसिकली हो क्या रहा है इस कॉम्प्लेक्स में फ्लोरिन लीगेंट जो है वो वाटर को रिप्लेस करेंगे यहाँ पर आपसे पूछा था लॉक के मतलब जो के था स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट और एक्स के साथ एक ग्राफ बनेगा तो ग्राफ कैसा आएगा ऐसा आएगा कांस्टेंट आएगा कैसा आएगा तो हमेशा ध्यान रखना जब भी कोई फैक्टर यहाँ पर देखोगे तो एल्युमिनियम और फ्लोरीन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा और एल्युमिनियम और वाटर का जो कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पर एन प्लस माइनस जो भी लिख लो तो यहां पर ध्यान रखना क्या होता है प्लस माइनस करना दोनों के दोनों हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं ठीक है तो कोई स्पिन स्टेट चेंज नहीं होगी कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा नहीं इसमें तो हमेशा क्या होगा के वन जो बड़ा होगा के टू से के वन के टू से बड़ा के टू के थ्री से बड़ा के थ्री के फोर से बड़ा के फोर के फाइव से बड़ा और के फाइव के सिक्स बढ़ा तो यहाँ पर इस तरह से चलता रहेगा ठीक है जैसे जैसे एक्स की वैल्यू आपकी बढ़ेगी तो लॉक के जो होगा वो घटता चला जाएगा तो ये ग्राफ आएगा, ठीक है ये ये वाला आंसर था इसका। नेक्स्ट भाई लास्ट क्वेश्चन हमारा तो यहां पर देखोगे एफई सीओ फाइव दे रखा था और बोला था सी थ्री एच फाइव से ऑक्सीडेटिव दो दो तो ये ये डी कार्बोनिलेशन का एग्जाम्पल है डी कार्बोनिशन ठीक है ये आपका एग्जाम्पल जो है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोनिलेशन का एग्जाम्पल है दो सीओ निकल जाएंगे यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना ये बनेगा एफ ई तीन आपकी कार्बोनिल हो गई है ना दो कार्बोनिल कर देंगे तीन बचेंगी और आयोडीन और वो लग जाएगा आपका इसको भाई कैसे भी बना लो अभी तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं तो यहां पर मान लो ये एलाइल लग जाएगा ये जो सी थ्री एच फाइव है एलाइल है ठीक है और यहां पर आयोडीन भाई वैसे तो अगर इसका देखा जाए तो ट्रांस एडिशन होगा ना पोलर एक तरह से क्या है पोलर ग्रुप है ना ये तो ट्रांस एडिशन होगा लेकिन मैंने ऐसे बना दिया आपको ठीक तो इसको आप ऐसे ही बना लो चलो ऐसे बना लो इसको वो ज़्यादा सही रहेगा एफ ई सी ओ सी ओ सी ओ और यहाँ पर लेट सपोज ये है और यहाँ पर आयोडीन ठीक है मैंने यहाँ पर हेप्टासिटी तीन शो क्यों करी है क्योंकि यहाँ पर दो कार्बोल निकल रहे हैं अगर एक कार्बोइन निकलता सिर्फ तो मैं बोल सकता था इटा वन में होगा तो ऐसा एक ऑप्शन दे रखा था वो सही नहीं होगा पहली बात तो ये को जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा एक ऑप्शन ये था सही और क्या था एक ऑप्शन कि यहाँ पर ये ऑक्सीडेटिव एडिशन हो रहा है तो बोल सकते हैं काइंड ऑफ ऑक्सीडेटिव कार्ड डी क्या है ऑक्सीडेटिव एडिशन ही तो है ये ठीक है तो इसको बोल सकते हैं दो ऑप्शन क्योंकि जो आंसर थे ना ऑप्शन उसमें दो ही ऑप्शन सही हो सकते थे तो एक तो 18 इलेक्ट्रॉन वाला हो गया और एक आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन वाला सही हो गया बाकी ईटा ईटावन से जुड़ा नहीं है ये और एक में क्या था कि बोला था जो ये बनेगा ना वो पेंटागोनल बायपैरामिडल होगा तो भाई लीगेंड तो पाँच ही हैं पाँच लीगेंड में पेंटागोनल बायपैरामिडल कैसे हो जाएगा कम से कम सात लीगेंड चाहिए तो उसमें वो चीज़ भी गलत थी तो ये दोनों आंसर हम सही मान सकते हैं तो ये भाई था हमारा क्या इनऑर्गेनिक का सोल्यूशन